हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर होम मेकओवर वीडियो, जिसका मैं आपको ये फोर्थ एपिसोड दिखाने वाली हूँ। जनरली हम क्या करते हैं, अपने घर को अंदर से सजाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट हाँ, हम भूल जाते हैं कि पहला इम्प्रेशन होता है हमारे दरवाजे का, हमारे गेट का, हमारे एंट्रेंस का। जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो उसका ही फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है। सो आई थॉट कि आई शुडन गिव अ ट्राई फॉर माई एंट्रेंस मेकओवर। सो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, देखा कि एंट्रेंस मेकओवर के लिए इतना ज़्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। लोग अपने घर को बहुत अच्छे से अंदर से सजाते हैं। सो कई अपार्टमेंट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे फॉयर एरिया नहीं दिया होता है, जहाँ पे एंट्रेंस पे आपको इतना स्पेस नहीं दिया होता है कि आप अपने एंट्रेंस पे बहुत सारे सामान रख सकें, कुछ हैवी फर्नीचर का यूज़ कर सकें। सो मेरा भी अपार्टमेंट कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर मुझे एंट्रेंस पे इतना स्पेस नहीं मिला है, बट मैंने जो क्रिएटिविटी की है, जिस तरीके से उसको डेकोरेट किया है, आई थिंक कि आपको वो पसंद आएगा और आप उसे बहुत सारा प्यार देंगे। पिछले 3 एपिसोड में मैंने फ्रेंड्स आपको शेयर किया है सारे DIYs जो कि मैंने इस मेकओवर के लिए रेडी किए थे। सो आई थॉट कि मैं आपको वो सारे DIYs इससे रिलेटेड ही दिखाऊं और उसको आप ये देख सके बाद में कि मैंने उसको कहाँ पर प्लेस किया और कैसे यूज़ किया है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने अपार्टमेंट का एंट्रेंस मेकओवर। तो चलिए लेट ना करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं मेकओवर का काम। सो गाइज, यहाँ से हम शुरू करते हैं मेकओवर का काम। एज़ यू कैन सी द एंट्रेंस एरिया ऑफ माय अपार्टमेंट, तो कुछ इस तरीके से पहले मैंने इसको अरेंज किया था एंड माई लिटिल वन इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग दिस। सो आजकल के वीडियोज़ में मेरे बच्चे को आप देख लेंगे बार बार। तो ये है कुछ इस एरिया का लुक, मैं इसे जल्दी से कर लेती हूँ क्लीन। साथ में आप यहाँ पर ये जो एक शेल्फ देख रहे हैं, एक वार्डरोब देख रहे हैं छोटा सा स्टोरेज का, इसे भी मैंने मेकओवर किया है, बट इसका वीडियो मैं आपके साथ सेपरेटली शेयर करूँगी आफ्टर दिस मेकओवर वीडियो। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से हटा कर इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी पहले, सो दैट कि मुझे जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करनी है उसमें कोई डस्ट या डर्ट ना रह जाए। फ्रेंड्स, आपने मुझे अगर इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। और साथ में आप मेरा फेसबुक पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ कुछ वॉलपेपर का। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उन सब के मैंने वीडियोज़ या DIY के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप चाहें तो उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं या मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर जो हाइट वाली एरिया है वहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ। और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये वॉलपेपर जो मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, एंड सेम वॉलपेपर मैंने अगेन अमेजोन से परचेज़ किया। दोनों बिल्कुल एक जैसे आए थे, क्वालिटी भी एक जैसी थी, तो कुछ साइज़ का इशू था इसलिए मैंने एक एक अलग अलग ख़रीदा, क्योंकि बाद में मुझे कम पड़ गया था। ये बहुत ही प्यारा सा वॉलपेपर है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। अगर आपको एक विंटेज लुक देना है अपने एंट्रेंस को या किसी भी एरिया को, लाइक अगर आप अपने किचन मेकओवर को करते या कोई भी एरिया मेकओवर करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर इस तरीके के वॉलपेपर का यूज़ ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट करता है। गाइज, ये जो वॉलपेपर होता है ये सेल्फ़ एडहेसिव के साथ होता है, इसके पीछे इस पर एक लेयर लगा होता है जिसको आपको धीरे धीरे से हटाना होता है, और वॉल पर इसको किसी कार्ड की हेल्प से, कोई शॉपिंग कार्ड होता है या ATM कार्ड होता है, उसकी हेल्प से आपको इसको धीरे धीरे से खींचना होता है, सो दैट कि इसमें कोई बबलिंग ना आए और ये बहुत अच्छे से, ये कोई एयर बबल ना बना ले, और बहुत अच्छे से ये पेस्ट हो जाता है और बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का होता है। ऐसा नहीं है ये कागज़ नहीं है, इट्स नॉट ए पेपर, ये थोड़ा सा लेमिनेट टाइप का होता है, प्लास्टिक का इसमें पोर्शन होता है। तो मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ईजिली ये वॉल पर अकेले ही फिक्स हो जाता है, आप इसे अकेले भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पहले अपने पूरे एरिया का वॉलपेपर चेंज कर लिया, पेंट भी कर सकते हैं बट ये आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये है कुछ इस तरीके से वॉलपेपर लग गया है मेरे एंट्रेंस पे। अब मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ अपना फर्स्ट DIY जिसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया, ये है एक फ्लोटिंग नेम प्लेट। आपने नेम प्लेट बहुत देखे होंगे बट वो सारे के सारे आपने ऐसे देखे होंगे जो वॉल में आप फिक्स कर देते हो, बिल्कुल
मुझे ऐसा ही नेम प्लेट चाहिए था जो कि वॉल में बिल्कुल पैरेलल फिक्स ना हो, इस तरीके से फ्लोट होके दिखे, सो दैट कि हमारी जो अपार्टमेंट का डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर आता है तो उसको सामने से दिखे नेम प्लेट। साथ में है ये एक नंबर प्लेट, आप इसे भी बहुत इजीली अपने घर पे बना सकते हैं, जिसे मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से यहाँ पर फिक्स किया है। ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी या ऊपर आई सेक्शन में भी आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से इन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। मगर इस वीडियो को देखने के बाद, ये है प्यारा सा नंबर प्लेट, आप मेटल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसे ब्रॉड भी बना सकते हैं। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है वाइट कलर का बेंच, जो कि मैंने रोड साइड शॉप से लिया था और इसे मैंने DIY करके इतना अच्छा सा बनाया है। यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ एक रेड कलर का रनर, ये रेड कलर का टेबल रनर जो कि थोड़ा सा लंबा है, इसे मैं फोल्ड करके इसके साइज़ में कर लूँगी और बाद में इसे डेकोरेट करूँगी। इस बेंच के बगल में आप देख सकते हैं जो मेरा शू रैक है, या फिर आप उसे कह सकते हैं स्टोरेज रैक है, उसको भी मैंने कन्वर्ट कर लिया है। आपने पहले देखा होगा ये ब्राउन कलर का था, अभी मैंने इसे वाइट कलर में टोटली कन्वर्ट किया, बिकॉज़ मेरा यहाँ पे जो थीम कलर है वाइट एंड ब्लू का है, स्काई ब्लू का, तो इसे भी मैंने किया। अगर आपको जानना है कैसे किया है तो मुझे जल्दी से कॉमेंट करके बताइए, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लिटरली एक्साइटेड हूँ। इस फर्नीचर के कन्वर्जन को देखकर लिटरली आप अपने घर में रखे ओल्ड फर्नीचर को ज़रूर ज़रूर बदलेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट DIY। ये है मेरा हैंडमेड सीलिंग लैम्प, आप इसे देख सकते हैं, इसको मैंने आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने इसे कैसे बनाया है। मैंने इसे इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से पहले ही हैंग करवा लिया है और ये बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अपार्टमेंट्स में ना कॉरिडोर एरिया में आपको डे टाइम में लाइट नहीं मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को करवाया है। साथ में चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट DIY, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। आपको इन सारे DIYs में से कौन सा फेवरेट लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा। दैट इज़ द गुड वाइब्स ओनली, ये मेरा हैंडमेड है, जी हाँ ये मेरा DIY है और लिटरली आई लव दिस MDF कोट वॉल। सो उसको हैंग करने के बाद मैंने यहाँ पर ये एक बास्केट लिया है जो मैंने मार्केट 99 से परचेज़ किया था। इन सब की वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, तो जल्दी से करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये जो बास्केट है ये हैंड वॉश बॉटल के साथ था, उसको स्टोर करने के लिए, इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एज अ डेकोरेटिव पीस। अब आप आगे देखेंगे मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। मैंने इसको वायर क्लिप की हेल्प से यहाँ पर हैंग कर लिया है, छोटे छोटे से वायर क्लिप होते हैं, बहुत ही ईजिली उससे ये हैंग हो गया और काफ़ी स्टर्डी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, ऐसा नहीं है कि ये गिर जाएगा। तो मैंने एक को वर्टिकल एक को हॉरिजेंटल यहाँ पर हैंग किया है। करती हूँ अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट DIY है अब तक का। ये है वो DIY जिसे मैं यहाँ पर नेल करके पहले ही फिक्स कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं ये हैंगिंग कैंडल होल्डर लगाने वाली हूँ, टी लाइट होल्डर, जिसे मैंने छोटा बड़ा करके एडजस्ट किया है। ये छोटा सा मिनिएचर पॉट है, स्मॉल पॉट है, जो रेड कलर में और फ्लैट साइज़ में है, जो कि इस बास्केट में अच्छे से फिट हो गया। साथ में ये जो मॉन्क बुद्धाज हैं, बुरा ना सुनो बुरा ना कहो बुरा ना देखो, इसका सेट है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। इन्हें मैंने यहाँ पर प्लेस किया है एक मैसेज कन्वे करने के लिए। अब मैं यहाँ पर जो फ्लोटिंग नेम प्लेट है उसके ऊपर मैं ये मिनिएचर वाटरिंग केन एंड बकेट जो है DIY किया हुआ है, ये दोनों ही, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एवरीथिंग सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो इसे मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप की हेल्प से फिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ ये MDF वॉल कोट, जो कि सिर्फ एक फिगर के शेप में है, इसमें कोई भी कोट नहीं है। ये है बर्ड का सेट, आप देख सकते हैं 6 बर्ड का सेट है जो कि एक ब्रांच पे बैठी हुई है, और ये ब्लैक कलर के MDF बोर्ड की कटिंग होती है जो कि बहुत ही फाइन क्वालिटी की है। इसे भी मैंने एक मैसेज कन्वे करने के लिए ही यहाँ पर फिक्स किया है, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील कराता है। आप इसे दूसरे कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लगाऊंगी जो हमारे घर को एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जो हमारे घर में एंट्रेंस पे ज़रूर होते हैं। ये हैं गणेश जी एंड लक्ष्मी पादुका एंड साथ में स्वास्तिक का निशान,
ये भी MDF बोर्ड की कटिंग है जो मैंने लोकल शॉप से लिया था, लोक कला महोत्सव से। तो इसे भी डबल साइडेड टेप की हेल्प से यहाँ पर मैं फिक्स कर दे रही हूँ, और ये मल्टी कलर में थे तो ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। चलिए अब मैं सेट करती हूँ इस सेल्फ के ऊपर के हिस्से को। ये आप देख रहे हैं, ये जो योगा पोस्चर में स्टेटमेंट फिगर है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ में मैं यहाँ पर एक फिर से पॉजिटिव एनर्जी के लिए आउल का यहाँ पे एक पॉट लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने गोल्डन बाउल में लोटस का फ्लावर रखा है जो कि आर्टिफिशियल है, साथ में छोटा सा एक पॉट मैंने वहाँ पर रखा है। ये सारे पॉट्स वगैरह आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टील टेबल रनर पे रखने वाली हूँ ये जो ट्रे सेट है बुद्धा का टी लाइट कैंडल के साथ। साथ में ये छोटे से पॉट पे मैंने यहाँ पे फ्रेग्रेंस ऐड किया है, जो स्टिक आती है ना, ये ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हो, बट ये मैंने खुद से किया। मेरे पास बैम्बू स्टिक था, उसमें मैंने इस पॉट में मैंने बैम्बू स्टिक को फ्रेग्रेंस ऑयल के साथ पोर करके रख दिया है। ये अच्छी सी खुशबू यहाँ पर देगा। साथ में ये जो पॉट आप देख रहे हैं अमेजोन एंड नैनीताल के लोकल मार्केट से ब्लैक वाला था, एंड बर्ड केज तो जो था वो अमेजोन से था। ये जो आपने क्रैकल टी लाइट होल्डर देखा, ये मैंने होम सेंटर से लिया था। साथ में सिरामिक पॉट्स जो हैं ये बुद्धा है, एंड ये जो एक फेस का है ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, रोड साइड शॉप से, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मुझे ये मिल गए थे। और मैं यहाँ पर अब सारी ग्रीनरी ऐड करने वाली हूँ, मनी प्लांट से लेकर जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं वो मैं ऐड करूँगी, सो दैट कि ये ईज़िली यहाँ पर सर्वाइव कर सकें, बिकॉज़ इस एरिया में थोड़ा डार्कनेस रहता है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट नहीं ऐड करने वाली हूँ जो यहाँ सर्वाइव ना कर सकें। अब मैंने यहाँ रखे हैं कुछ और सिरामिक के पॉट्स जो कि स्नेक प्लांट वगैरह के साथ हैं। इस बेंच के नीचे का हिस्सा मुझे खाली सा लग रहा था, सो आई डिसाइडेड टू ऐड सम प्लांट्स बिलो दी बेंच। अब मैं अपने डोर के दूसरे कॉर्नर को डेकोरेट कर रही हूँ। ये है फोल्डिंग टेबल जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, और यहाँ पे कप एंड सॉसर के शेप में ये पॉट है, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है, और साथ में सिंगोनियम का एक एलिफेंट पॉट में मैं लगा रही हूँ। पीछे मेरा बच्चा दिख रहा है स्लीपर लिए हुए। तो इस कॉर्नर को भी मैंने डेकोरेट कर लिया है। अब बारी आती है एक फाइनल जो मुझे अपने मेकओवर में स्नेजी प्रिया इफ़ेक्ट देना है। ये फ्लावर बंच मैंने परचेज़ किया ऑनलाइन, इसे मैं यहाँ पर फिक्स करने वाली हूँ। मेरे पास है ये नेट डोर, इसमें ये इजीली इस वायर क्लिप से फिक्स हो जाएगा। ये क्लिप कुछ नहीं, आपके पास अगर वो जिप लॉक वाला होता है ना, फाइबर का मिलता है, उससे भी आप इसे फिक्स कर सकते हो। ये मेरे पास वायर क्लिप था, जो कि वायर वगैरह ख़रीदते हैं हम या कोई केबल ख़रीदते हैं उसमें ये फोल्ड करके मिलता है, उसकी हेल्प से मैं इसको ईज़िली यहाँ पर फिक्स कर लूँगी। आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसा कुछ डेकोरेट करना चाहते हो अपने घर में डोर पर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर हेल्प कर दूँगी कि आप उसे बिना नेल किए किस तरीके से फिक्स कर सकते हो। तो पीछे से मैं इसको कुछ इस तरीके से ट्विस्ट कर दूँगी, सो दैट कि ये यहाँ से हिले नहीं। मैंने इसको दो वायर क्लिप लगा के ट्विस्ट किया है और ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। तो चलिए देखते हैं फाइनल लुक। Thank you.
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप लाइकिंग, शेयर एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन अर्लियर। एंड मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा और इसमें से कौन सा DIY आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।